प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा की सरकार को किरण चौधरी ने घेरा है। किरण चौधरी का कहना है कि मंडियों में धान बिखरी पड़ी है, लेकिन कोई खरीदारी नहीं हो रही। इसके साथ ही किरण चौधरी ने कहा कि घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। उनका कहना है कि तोशाम में बाजरे और मूंग के रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके साथ ही किरण चौधरी ने प्रदर्शन पर हो रही राजनीति को लेकर भी हरियाणा की सरकार को घेरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो चंडीगढ़ से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने हरियाणा की सरकार पर निशाना साधा है। किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा की सरकार को किरण चौधरी ने घेरा है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का कहना है कि मंडियों में धान बिखरी हुई है, लेकिन कोई खरीदारी नहीं हो रही। इसके साथ ही उन्होंने घोटाले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि तोशाम में बाजरे और मूंग के रजिस्ट्रेशन पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इनकी कोई जांच नहीं हो रही। इसके साथ ही किरण चौधरी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीति बताने पर भी निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता किरण चौधरी का। हरियाणा के अंदर आज किसान परेशान है। उसकी मंडियों के अंदर हमने देखा किस तरह से धान बिक्री हुई है और उसकी जो है खरीदारी नहीं हो रही है। हर व्यवस्था बुरी तरह से फैली हुई है। और जब हम इस बात को उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती है, तो कहा जाता है कि राजनीति करी जाती है। सच्चाई ये है कि आज इन्हीं का एक विधायक, बीजेपी का विधायक जो है, वो अनशन पर बैठा हुआ है और सरकार को उसका आईना दिखा रहा है, लेकिन सरकार उसकी भी पूरी तरह से सुनी अनसुनी जो है उसकी कर रही है। मुझे मेरे हल्के तो शाम से पता चला है कि वहाँ पे फर्जी रजिस्ट्रेशन का जो है घोटाला बाजरा और मूंग के लिए हुआ है। जो है ज़मीनें वो दिखाई गई हैं, पांच पांच बारी एक ही आदमी का रजिस्ट्रेशन है, वो ज़मीन दिखाई गई हैं जहाँ बस स्टैंड है या कोई और जगह है। और जो असलियत के अंदर जो किसान जो है, जो अपनी उपज बेचने के लिए बैठा हुआ है कि उसके मैसेज उसके फ़ोन के ऊपर आएंगे, वो बेचारा जो है ताकता ही रह रहा है किसान। उसके पास कोई मैसेजेस जो हैं सही तरीके से नहीं जा रहे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार जो है इसका संज्ञान नहीं ले रही, इसकी कोई जांच नहीं करवाई जा रही है। इसी तरह से हमने देखा पिछले दिनों जो है सरसों के अंदर जो मिलावट का जो घोटाला उजागर होकर सामने आया है, तो ये घोटाले पे घोटाले जो हैं हो रहे हैं। एमएसपी की बात सरकार करती है, किसान जो है अनन फानन के अंदर जो है उसको अपनी जो है उपज जो है बेचने पर मजबूर हो रहा है। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो जो भी ये इस तरह के जो जो दलाल हैं, जो इस तरह की मिलीभगत करके ये सारा काम ये जो कर रहे हैं, अगर इनकी जांच नहीं करवाई गई, तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार का भी कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मैं समझती हूँ कि इसके तुरंत जो है जाँच करवाई जाए और जो है सही तरीके से पता चले कि कौन इसके पीछे।